हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में जिसका नाम है तनवीर व्लॉग्स। सो आज मैं और पंकज भाई जा रहे हैं कहीं लॉन्ग टूर पे घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे था तो हमने सोचा बिलावल वाली साइड चलते हैं। सो गाइस, मिलते हैं रास्ते पे। गाइस देख सकते हैं ये मंदिर है, ये यहाँ पे काफ़ी मतलब इसकी जो मानता है वो काफ़ी बड़ी मानता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे रुक के मतलब दिल से जो भी कोई मनोकामना मांगे वो पूरी हो जाती है। तो इस मंदिर का नाम है मानसा देवी। तो मेरे को इसके बारे में पता नहीं था तो भाई ने बताया। तो भाई ये जो मंदिर है कौन सा है, क्या नाम है इसका? मानसा देवी। जैसे हिमाचल में है ना, सबसे बड़ा मंदिर इनका हिमाचल में ही है, जो मतलब लोग जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे तीर्थ करने आते जाते हैं। बट जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है तो मतलब समझ लो वही मानसा देवी का मंदिर यहाँ पे बनाया है, छोटा सा, मगर ये यहाँ पे बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मतलब ड्राइवर जितने भी हैं ना ऑलमोस्ट यहाँ पे रुकते हैं, सभी रुकते हैं, माथा टेक के जाते हैं, प्रसाद खा के जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने ट्रक वाले भी यहाँ रुके हैं, जो माथा वगैरह टेकने यहाँ पे रुके हुए हैं। आप लाइन देख सकते हैं और इस मंदिर की महानता देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, ये सभी यहाँ पे रुक के जो भी है मंदिर में दर्शन करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि हम पहुंच सर सुनीसर लेक में। ये है लेक।
ये देखो इस मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे मतलब झूले वगैरह भी लगाए गए हैं कि जो फैमिली यहाँ घूमने के लिए आती है वो यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं। पार्क है बहुत अच्छी। तो गाइस देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। लोग यहाँ पे आते हैं मतलब फैमिली के साथ एंजॉय वगैरह, बोटिंग भी होती है, पर अब टाइम काफ़ी हो चुका है सो हम बोटिंग नहीं कर रहे। अगली बार स्पेशल यहाँ मतलब यहाँ के लिए आएंगे तो बोटिंग वगैरह भी करेंगे। दोस्तों ये मेरा भाई, ये इसका गाँव है यहाँ पे, तो कभी तो ये अपने मतलब गांव में लेके नहीं आया। आज हम कहीं गए थे घूमने के लिए तो आते टाइम वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, तो तभी आज मैंने देखा। तो फिर कैसा लगा आपको भाई? जगह तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पीसफुल जगह है, मज़ा आता है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहीं के लिए स्पेशल आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर हम यहाँ पर फुल पार्टी करेंगे, खाना वगैरह सब कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं कैमरे में इतना जूम होगा नहीं, वहाँ पे एक टापू है, उस आइलैंड पे लेके जाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम। वहाँ पे यहाँ से यहाँ बोटिंग होके वहाँ पे जाया जाता है बोट के थ्रू। देखो यहाँ पे मतलब लाख भी कम होंगी, करोड़ों हिसाब यहाँ पे मतलब फिशेज हैं, मतलब इनको देवते बोलते हैं यहाँ पे। पकड़ने नहीं देते यहाँ पे, मतलब इनको छूने नहीं देते, सिर्फ आटा वगैरह डाल सकते हो आप यहाँ पे, और आटा मतलब आटे वाले भी यहाँ पे ही हैं, गूंदा हुआ आटा देंगे आपको तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो पहाड़ों में कितनी बड़ी झील है भाई, जूम नहीं हो रहा ना यहाँ पे, जूम नहीं हो रहा मेरे फ़ोन से। सो गाइस पहले यहाँ पे जो व्यू है आप वो देखो, फिर आगे की बात करेंगे। तो जम्मू में रहने वाले काफ़ी लोग यहाँ पे, तो हर मेरे को लगता है हर संडे वाले दिन आए होते हैं, फैमिलीज आई होती हैं घूमने के लिए। यहाँ पे हमने काफ़ी मतलब रुकना था बट वहाँ पे टाइम लग चुका था हमें, तो अभी घर भी जाना है, तो अभी अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ से निकले। अगली बार हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे ना घर से, अगली बार थोड़ा जल्दी आएंगे तो फिर वो सामने जो आइलैंड है ना दिखाओ, वो जो सामने आइलैंड है ये वाला, इस आइलैंड पे हम जाएंगे, यहाँ पे बोट से जाया जाता है तो हम बोट पे जाएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे आगे हूँ थोड़ा। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी लेक के बारे में लिखा है, और यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी फैसिलिटी है, बैठने की भी है। तो हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि लेक वगैरह कैसी लगी, तो कौन कौन यहाँ पे आया है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो अब हम जा रहे हैं घर, तो व्लॉग का एंड में घर जाके ही करूँगा, तो क्योंकि अभी और भी रास्ता है तो रास्ते का व्यू भी आपको बताएँगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं जम्मू सिटी अपनी। आज का जो टूर था काफ़ी लंबा था, रास्ते में सुबह मतलब 10 बजे निकले थे हम घर से, तो अब टाइम हो चुका है शाम के 7, तो अभी 1 घंटा और लगेगा यहाँ से मतलब प्रॉपर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँचने में। आज लगता है यहाँ पे बारिश हुई है क्योंकि क्लाउड काफ़ी मतलब क्लाउडी मौसम हो चुका है।
तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर, तो अभी खाना वगैरह खाया तो बच चुके हैं 11। तो घर तो हम कब 6-7 बजे घर आ गए थे। उसके बाद फिर मैं अपने घर गया, पंकज भाई ने मेरे को अपने घर छोड़ा, तो फिर खाना खुना खाया। तो थके हुए थे तो मैंने ज़्यादा घर का शूट नहीं किया, रास्ते का भी जब घर आ रहे थे ज़्यादा शूट नहीं किया। तो अभी खाना वगैरह खाया तो मेरे को याद आया कि व्लॉग का एंड नहीं किया। तो गाइस आज बता देना कि व्लॉग जो पूरे दिन का था, लेक वगैरह जहाँ हम गए, जो भी आपको अच्छा लगा वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मेरी वीडियो को शेयर करते रहो, जिससे एक मतलब देखो ना, पूरा दिन हम वीडियो शूट के लिए जाते हैं तो इतनी मेहनत, मतलब मेहनत तो लगती है। तो आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते हो तो उससे मतलब एक खुशी मिलती है, इंसान को लगता है कि यार नहीं अब और ज़्यादा वीडियोस बना के डालनी है। तो मैं आगे सोच रहा था कि एक मंथ में रेगुलर पूरी 30 वीडियो डालूंगा, वो व्लॉग बनाऊंगा 30 वीडियो का। वो अभी नहीं, थोड़ा मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा। सो गाइज मेरी वीडियोज़ देखने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।